शालिनी राजपूत मामले में आज भी लोग सच जानना चाहते हैं। इस मामले का क्या निर्णय आएगा ये लोगों को जानना है, इसका लोग इंतजार कर रहे हैं, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या फिर उनके चाहने वाले लोग हों। पर उसी के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी जी जिस मामले में स्टार्टिंग से एक्टिव हैं, उनके कुछ ऐसे ट्वीट जो कहीं ना कहीं लोगों को चौंका देते हैं और कहीं ना कहीं इस मामले को 302 की ओर मोड़ देते हैं। स्वामी जी अक्सर इस मामले में शुरुआत से एक्टिव थे, वो अक्सर इस पूरे मामले में शुरुआत से ही कई ट्वीट करते रहते थे और इसी के बीच में उन्होंने एक और ट्वीट किया था जहां पर उनका कहना था कि उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो दावा करते हैं ये मामला 302 का है और कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो कहते हैं कि हो सकता है इसको काउंटर अटैक किया जाए कोर्ट में, जहां पर ये बोला जाए कि सुशांत ने वो कदम खुद उठाया था। पर इनके जो पॉइंट है वो सटीक बताते हैं कि ये मामला 302 की ओर जाता हुआ नज़र आ रहा है। पर उनके क्या पॉइंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में चर्चा ये करेंगे कि आखिरकार क्यों राखी सावंत के जो पति हैं आदिल, उन्होंने ये बात बोल दी कि मैं सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना चाहता, मैं जब मुंह खोलूंगा तो तुम मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी, क्यों ये बातें निकल के आई, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। पर सबसे पहले आपको बताएंगे कि क्या स्वामी जी ने जो बात बोली है वो इस मामले को 302 की ओर ले जाएगी। आपको बता दिया जाए स्वामी जी के कुछ पॉइंट्स के बारे में। स्वामी जी ने एक ट्वीट किया जो ट्वीट आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इस ट्वीट के अंदर स्वामी जी ने कुछ पॉइंट लिखे हैं, उस पॉइंट को शॉर्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कि स्वामी जी ने लिखा क्या है। स्वामी जी का पहला पॉइंट कहते हैं कि उस कमरे से एंटी डिप्रेशन के जो ड्रग्स था, मतलब वो टैबलेट्स थी, वो फाउंड हुए थे, वो मिले थे। अब कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि कई बार लोग कहते हैं कि एंटी डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो लोग खाते हैं, मैक्सिमम लोग कई बार यूज़ कर लेते हैं उसको, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ कर लेते हैं, कई लोग बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी यूज़ कर लेते हैं। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है, या तो इंसान खाता है इसलिए कमरे में है, या तो ज़बरदस्ती किसी ने चराकी से उसको वहाँ पर रखा है ताकि कैमरे में चीज़ रिकॉर्ड हो और सामने वाले को लगे कि ये इंसान ये गोलियां खाता हो, इसीलिए वो वहाँ पर रखी हुई हैं। दूसरी बात यहाँ पर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरा पॉइंट स्वामी जी ने रखा कि जो लोकेशन थी लिगेचर मार्क्स की, वो भी कहीं ना कहीं दिखा रही थी कि ये मामला 302 की ओर जा रहा है। तीसरा पॉइंट स्वामी जी ने रखा कि जो लेंथ थी लिगेचर मार्क की, वो कहीं ना कहीं ये बता रही थी कि कहाँ पर मार्क होने चाहिए और कहाँ पर मार्क थे जो फोटो वीडियो बाहर निकल के आ रही थी। तो कहीं ना कहीं ये मामला 302 की ओर लग रहा है, सिंपल मामला नहीं लग रहा है। स्वामी जी ने चौथा पॉइंट रखा कि जो आंखें थी वो बाहर नहीं आई, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रखा क्योंकि जो दावा शुरुआत से कुछ लोग कर रहे थे उसमें आंखें बाहर आती हैं, पर यहाँ पर आंखें बाहर नहीं आई, तो कहीं ना कहीं स्वामी जी का सीधा इशारा है कि ये मामला 302 का है। इसके बाद कहा जा रहा है कि स्वामी जी ने पांचवा पॉइंट रखा कि जो जीभ होती है ये जीभ भी बाहर निकल के नहीं आई। इसके बाद इन्होंने रखा एक और पॉइंट जहाँ पर कहते हैं कि झाग भी नहीं निकली मुझसे। इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट रखा कि जो कपड़ा लटक रहा था वो कपड़ा भी मैच नहीं हो रहा था, वो कपड़ा भी ऐसे ही लटका दिया गया था, लग रहा था ऐसा। उसके बाद उन्होंने एक और पॉइंट लिखा जहाँ पर वो कहते हैं कि जो मार्क नेक पे मिले थे वो मैच नहीं कर रहे थे उस कपड़े के साथ जो लटक रहा था। उसके बाद उन्होंने एक नौवा पॉइंट लिखा, जो अलग अलग बॉडी में जो इंजरीज के मार्क्स थे ये भी सवाल उठा रहे थे। और आपको याद होगा अभी हाल ही में रूपा शॉ जी जो निकल के आए थे कूपर हॉस्पिटल के एम्प्लॉई, उन्होंने भी ये बोला था कि चोटों के निशान थे, और स्वामी जी ने भी यहाँ ये बोला था कि उनकी बॉडी में कुछ निशान थे, चोटों के वेरियस मार्क्स थे। दसवां पॉइंट लिखते हैं कि SSR वीडियो गेम खेल रहे थे उस दिन सुबह, ऐसा दावा हुआ था, आपको याद होगा। अगर कोई इंसान वीडियो गेम खेल भी रहा होगा तो फिर भाई वो ऐसा क्यों करेगा खुद, ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है। अब ये कहानी थी नहीं थी ये नहीं पता, पर ये चीज़ें निकल के आई थी, स्वामी जी ने बात लिखी है। ग्यारहवें पॉइंट में स्वामी जी लिखते हैं कि जो CCTV फुटेज था वो ऑफ था उस दिन। कैसे ऑफ हो सकता है, जिस बिल्डिंग का किराया 4-4.5 लाख हो महीने का, उसकी सिक्योरिटी कितनी टाइट होगी, उसकी कैमरेज कितने स्ट्रांग होंगे और कहीं ना कहीं उसका बैकअप भी बहुत स्ट्रांग होगा, तो इतनी इजी तरीके से वो ख़राब नहीं हो सकते, और ख़राब होते ही तुरंत सही भी हो जाने चाहिए, पर यहाँ पर तो ऑफ थे, दावा हो रहा है। अब ऑफ थे नहीं थे, किए गए थे, इसका सवाल एजेंसी दे सकती है। अगला पॉइंट स्वामी जी कहते हैं कि जो भी कमरे में हमने देखा तो वहाँ पर कोई भी छोटा टेबल या फिर छोटी चेयर नहीं दिखी, जहाँ पर इन्होंने इस बात का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि उनका कहना है कि अगर जो कहा जा रहा है इस पूरे मामले में कि सुशांत ने वो खुद किया, तो भाई साहब कोई चेयर कोई टेबल मिलनी चाहिए ना, पर वो मिली ही नहीं वहाँ पर। उसके बाद अगला पॉइंट उन्होंने लिखा कि जो रूम की डुप्लीकेट की थी वो भी मिसिंग थी, तो सवाल यही उठ जाता है कि आखिरकार डुप्लीकेट की उसी दिन मिसिंग कैसे हो गई, कहाँ चली गई, स्टाफ मेंबर्स के पास होती है, उनको भी नहीं पता, SSR ने ऐसा किसको दी थी वो की,
और उस घर में कौन रहता था, किसने 8 तारीख को घर छोड़ा था, कई सवाल इसके बारे में भी उठे थे। अगला पॉइंट ये कहते हैं कि हॉस्पिटल तुरंत लेकर नहीं गए SSR को, देखते ही जो स्टाफ मेंबर वहां पर थे उनको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, पर वो लोग हॉस्पिटल ना ले जाकर वो लोग इंतजार करते रहे कि गेट खुलेगा, कब खुलेगा, चाबी वाले को ढूंढो, ये ढूंढो। उन्होंने ऐसी कहानी जो बनाई थी, तो वही स्वामी जी ने कहा कि तुरंत अस्पताल क्यों नहीं लेके गए। अगला पॉइंट स्वामी जी कहते हैं कि सुशांत को अगर डिप्रेशन था जैसे कहानियां निकल के आईं, तो परिवार तो इस बात से अवेयर ही नहीं था, जबकि वो परिवार से क्लोज थे, ये सब जानते हैं। तो यहाँ पर भी एक बड़ा सवाल उठा कि आखिरकार ये जो बातें फैलाई गई ये किसके कहने पर फैलाई गई। और इसके बाद अगला पॉइंट ये लिखते हैं कि SSR इसलिए भी घबराए हुए थे कि दिशा की डेथ हुई थी, और आप सबको याद है ये बात भी निकल गई थी कि सुशांत ने सिस्टर को कॉल किया था, और कॉल करने के बाद ये बोला था कि ये लोग मुझे भी नहीं छोड़ने वाले हैं, जो उनकी सिस्टर प्रियंका सिंह ने अभी हाल ही में खुद ही बताई थी मीडिया में आकर। तो ये एक और पॉइंट सुब्रमण्यम स्वामी जी ने लिखा था और वो ट्वीट में बताया था। अगला उनका पॉइंट था कि कोई भी सुसाइड का नोट नहीं मिला, कोई नोट उस कमरे से नहीं मिला था, जिसका मतलब साफ है कि अगर कोई भी शख्स ऐसा कुछ करता है तो डेफिनेटली वो कोई नोट लिख के जाता है, पर उसने कोई भी नोट नहीं लिखा, तो ये भी एक बहुत बड़ा संकेत है 302 की ओर। इसके बाद एक और पॉइंट उन्होंने लिखा कि SSR ने 1 महीने के अंदर 50 सिम बदली थी, जो ये बात निकल के आई थी, तो क्या वो कंटिन्यू जो सिम बदल रहे थे, तो क्या उनको फ़ोन आ रहे थे, क्या धमकी आ रही थी, क्या हो रहा था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल उठाया स्वामी जी ने। अगला पॉइंट वो लिखते हैं कि सिर्फ कूपर ही क्यों लेके गए, उनके घर के पास तो कई और हॉस्पिटल थे, तो कूपर ही क्यों लेके जाना पड़ा उनको, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगला वो लिखते हैं सवाल कि एम्बुलेंस को बार बार चेंज करना पड़ा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, क्यों आखिरकार एम्बुलेंस बदली गई बार बार, क्या हो रहा था एम्बुलेंस के अंदर। उसके बाद एक और सवाल पूछा कि जो उनके सर्वेंट थे जो काम करते थे, उनका स्टेटमेंट आप आज भी चेक करोगे तो वो अलग अलग चैनल्स में अलग अलग ही मिलेगा सबका, तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार स्टाफ मेंबर्स के स्टेटमेंट ही बदल रहे हैं, तो आखिरकार क्या ऐसा सच छुपा हुआ है इस पूरे केस के अंदर जो ये बता सकता है कि सुशांत का मामला किस ओर जा रहा है। स्वामी जी ने ये पॉइंट इसलिए मेंशन करे क्योंकि उनका साफ कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत का जो मर्डर हुआ था उसके लिए उन्होंने 24-25 पॉइंट जो तैयार किए हैं, जो उन्होंने ट्वीट के माध्यम से हम सबके बीच रखे थे, और इन सवालों को अगर हम देखें तो साफ समझ आता है कि कितने सारा इस पूरे केस के अंदर लूफॉल्स छुपे हुए हैं, और कहीं ना कहीं इस मामले का कई बड़े सच हो सकते हैं जो सामने आने बाकी हो। इस पूरे मामले में कई ऐसी बातें हो सकती हैं जो सामने आनी बाकी हो, और हो सकता है कि इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हों जिनको बाहर आने में, जिनके जवाब बाहर आने में लगभग सालों लग सकता है, क्योंकि मामला सिंपल नहीं है, और कहीं ना कहीं इस मामले का सच बाहर आने में कितना टाइम लगेगा ये कोई नहीं जानता। एजेंसीज ही जानती है, एजेंसीज को सच पता हो सकता है, एजेंसीज ही जाँच कर रही थी। अब देखने वाला विषय है कि सुशांत सिंह राजपूत की जो फैंस हैं, परिवार है, उनके चाहने वाले हैं, उनकी दुआएं कब रंग लाती हैं और कब इस पूरे मामले का एक फाइनल निर्णय देश के सामने निकल के आएगा, दुनिया के सामने निकल के आएगा, और कुछ ऐसे लोग एक्सपोज हो जाएंगे जो इस पूरे मामले को दबा रहे थे, छुपा रहे थे। तो देखने वाला विषय है कि क्या होगा इस पूरे मामले में। आपको क्या लगता है, आपकी राय जानना जरूरी है। स्वामी जी स्टार्टिंग से एक्टिव है इस पूरे मामले में, उनके कई और ट्वीट्स जो आप देख रहे होंगे इस समय स्क्रीन पर, जहाँ पर उन्होंने CBI को भी चेतावनी दी कि आप सच बताइए वरना हम कोर्ट जाएंगे, जहाँ पर उन्होंने साफ बोल दिया कि लास्ट टाइम जब हम महाराष्ट्र गए थे तो हमने जाँच खुद करवाई अपने अकॉर्डिंग, तो हमको पता लगा कि भैया दिशा और सुशांत दोनों को ख़त्म किया गया, ऐसा उनका कहना था। ऐसे करके कि उन्होंने कई ट्वीट करे हैं, और कई ट्वीट का मतलब साफ होता है कि स्वामी जी छोटे मोटे शख्स नहीं। मैं आपसे हर बार कहता हूँ, सुब्रमण्यम स्वामी जी BJP के लीडर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके पास पावर भी है और उनके पास नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, तो कहीं ना कहीं ऐसे केसेस को वो हमसे ज़्यादा समझते होंगे, हमसे ज़्यादा जानते होंगे। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि राखी सावंत के पति ने अभी एक बड़ी बात बोली है। कहा जा रहा है कि राखी सावंत की लाइफ इस समय जो मुश्किलों में चल रही है, हाल ही में उन्होंने मीडिया में आके बोला था कि भैया मुझे फ्रिज में नहीं जाना है, और उन्होंने ये बात इसलिए बोली थी क्योंकि अभी हाल ही में श्रद्धा केस हुआ था दिल्ली में, जहां पर फ्रिज में क्या मिला था ये सब जानते हैं। और अब उनके पति जो आदिल हैं उनको लेकर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया कि मुझे भैया फ्रिज में नहीं जाना है, और दूसरी तरफ आदिल का रिप्लाई आता है कि मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है। अब यही सवाल उठ गया कि क्यों आदिल ने ये बोला कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है, क्या सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ गलत हुआ था, क्या सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कुछ ऐसा सच जो जानते हैं ये लोग, क्या ऐसी कोई बात है जिसकी वजह से आदिल ने सुशांत सिंह राजपूत का नाम लिया, और क्या अपने मंगेतर की वजह से आदिल ने ये बड़ी बात बोली है कि मुझे सुशांत सिंह राजपूत नहीं बनना है, क्या सुशांत सिंह राजपूत को इतना परेशान किया जाता था इसीलिए आदिल ने ये बात बोल दी है राखी सावंत को लेकर। तो इसके पीछे आदिल का निशाना कहाँ जा रहा है ये आप समझ रहे होंगे, और कहीं ना कहीं आदिल की ये बात सीधा
क्या दर्शा रही है ये आप मुझसे बेहतर समझ रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है कि आदिल की ये बात क्या संकेत दे रही है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आपको क्या लगता है इन बातों को सुनने के बाद, जानने के बाद? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।